धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, भारत में सभी का सपना होता है कि उनका एक अपना घर हो। भारतवासियों के इसी सपने को पूरा करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2022 तक सभी को पक्का घर देने का संकल्प लिया है। देश के मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों का ये कल्पना है कि उनका घर अच्छा हो और अच्छी जगह पर हो। वो चाहते हैं कि उनके घर में सारी सुविधाएं उपलब्ध हों, पीने का पानी हो, बिजली हो, आवागमन के साधन हो, सड़क हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, खेल का मैदान हो, पार्क हो। और अपने इसी सपने को साकार करने के लिए पिछले 25-30 वर्षों में देश की बहुत बड़ी आबादी शहरों की ओर आई है। शहरों बड़ी तेजी से शहरीकरण हुआ है, लेकिन शहर में आने के बाद ये आबादी ठगी गई है। शहर में आने के बाद आपने सब्जेक्ट दिया डिले इन प्रोवाइडिंग हाउसेस, उसके ऊपर आइए, अदरवाइज आपका समय समाप्त होगा। शहरों में आने के बाद इस आबादी को ठगा गया है। देश के जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, निवेशक हैं, उन्होंने इनका पैसा अपने प्रोजेक्ट में लगा लिया और निश्चित समय अवधि में इनको मकान देने का वायदा किया था, लेकिन समय अवधि बीत जाने के पश्चात 10 साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन इनको अभी तक मकान नहीं मिला है। सरकार ने रेरा कानून बनाया था और रेरा कानून के माध्यम से इनको उम्मीद थी कि इनको मकान मिल जाएगा, लेकिन रेरा कानून प्रभावी सिद्ध नहीं हो रहा है और इनको मकान नहीं मिल पा रहा है। ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं उसके तलाश में। सरकार ने जो रेरा कानून जो बनाया है वो भी इस तरीके से लचर है, कमज़ोर है कि उसके माध्यम से इनको न्याय नहीं मिल रहा है। देश के 28 राज्यों ने और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने भी इस कानून का अनुमोदन किया है, लेकिन अपने अपने राज्य में इस कानून में ऐसा संशोधन कर दिया है कि न्याय का संतुलन ग्राहक की अपेक्षा निवेशक के पक्ष में हो गया है, इसलिए भी इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। और रेरा कानून के माध्यम से जो कुछ फैसले भी हुए हैं उन फैसलों के विरुद्ध हायर अथॉरिटीज़ भी अपील हो गई है, इसके कारण भी इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। मेरा आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि वो रेरा कानून की समीक्षा करे, उसको सशक्त बनाए और जिनको आवास नहीं मिल पाया है उनको शीघ्र कैसे न्याय मिल सकता है, अन्य न्यायिक विधियों के माध्यम से भी उनको न्याय दिलाने का प्रयास करे। धन्यवाद जी।